डियर स्टूडेंट्स, मैं एस एस श्रीवास्तव सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से। आज के वीडियो में आप देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं, कैसे हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए पहचान, आइडेंटिटी, जो किसी भी टेंस के लिए आवश्यक है, पहली चीज है। बिना इसके हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो देखिए, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में, जैसा कि आपको पता है, कंटिन्यूअस अगर आया है तो रहा, रही, रहे, इस तरह के शब्द आएंगे। अगर कंटिन्यूअस टेंस है, कोई भी हो, किसी भी टेंस का हो, तो उसमें रहा, रही, रहे, इस तरह के शब्द आएंगे। केवल उसके बाद में जो टेंस की पहचान होती है वो बदल जाती है। जैसे कि अगर प्रेजेंट होता है तो है, हूँ, इस तरह के शब्द आते हैं। अगर पास्ट होता है था, थी, थे आता है। अगर फ्यूचर होगा तो गा, की, गे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी पहचान? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। इस तरह के शब्द आपको हिंदी वाक्यों के अंत में मिलेंगे। बस इतना लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बनती है। आपको पता है अगर कंटिन्यूअस आया है तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कोई भी टेंस हो, सब में कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब बदली होती है सब में। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया था कि इससे पहले वाले वीडियो में कि इसमें हेल्पिंग वर्ब में ऐड होती रहती है, बदलती नहीं है हेल्पिंग वर्ब, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के साथ दूसरी हेल्पिंग वर्ब ऐड होती रहती है। तो इसमें क्या बी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विल बी, शैल बी, ठीक है। ये मेन चीज, तीन चीज जो किसी भी टेंस की जरूरी चीजें होती है, पहली तीन चीजें वो ये है कि पहचान, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। ये तीन मेन चीजें हैं जो किसी भी टेंस की बहुत जरूरी होती है हमें जाननी ट्रांसलेशन करने के लिए। इसके बाद देखिए, अगर वाक्य अफर्मेटिव है, अगर वाक्य अफर्मेटिव हो तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए पहला, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर, अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर, अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले वही लिखता हूँ सब। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, विल, ऐसे लिख देता हूँ, विल, शायद, और प्लस बी, दोनों के साथ काम हो जाएगा। फिर वर्ब की फॉर्म, अदर वर्ड्स आर फर्स्ट, ये सब करना है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल, देखिए वह स्कूल से घर जा रहा होगा, ठीक। ये वाक्य लिखा हुआ, वह स्कूल से घर जा रहा होगा, वो स्कूल से घर जा रहा होगा। तो देखिए रहा होगा आया, इसी वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है, सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, रहा होगा आया है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना। और वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो इस तरह से हम वाक्य को
ट्रांसलेट कर लेंगे, स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। क्या लिखेंगे सबसे पहले ही, इसके साथ मैंने क्या बताया आई और वी के साथ विल का स्टाइल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो ही विल बी, फिर गोइंग जाने की है ना, गोइंग होम फ्रॉम, अब से के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर अलगाव प्रकट होता है, अलगाव प्रतीत होता है, किसी जगह से किसी जगह को कोई प्रस्थान करता है, जाता है, अलग होता है उस प्लेस से, तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ही विल बी गोइंग होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। बहुत ही आसान है, कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा सभी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं ठीक वैसा ही अभी कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस सेकंड कंटिन्यूअस टेंस है और नहीं आया इसका मतलब ये वाक्य कैसा है, नकारात्मक है। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है तो हम इस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे, इस क्रम में शब्दों को रखेंगे। क्या रखेंगे सबसे पहले, क्या रखेंगे श्याम, फिर क्या लिखेंगे विल या शैल, तो विल ही होगा क्योंकि आई और वी के साथ सबको हमें केवल शैल को लगाना होता है, रखना होता है, बाकी सभी के साथ विल का उपयोग किया जाता है। श्याम विल नॉट बी, अब खाने की ईटिंग होती है, ईटिंग आई एन जी फॉर्म पर यूज होती है, ईटिंग तो इस तरह से हम हिंदी वाक्यों को अगर नकारात्मक वाक्य है तो ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए इंटरव्यू सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस आप इतने टेंस पढ़ चुके हैं, सब में वही चीजें आती हैं, वही सारी चीजें। ठीक है, अगर आप ठीक से कोई भी टेंस, तीनों टेंस में से कोई भी टेंस ठीक से पढ़ लें डीपली, तो दूसरा टेंस आपको बहुत ही आसान लगेगा, सब कुछ वैसा ही है, कुछ खास चेंजेस होते ही नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म बदलती है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो सब में वही सारी चीज़ें हैं, कुछ चेंज होता नहीं है। हालांकि आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा बहुत जो अंतर है, जो चेंजेस हैं वो आपको समझ में आएंगे और इजीली समझ में आएगा। अगर आपने दो तीन वीडियो प्रेजेंट के देखे हैं या चार देखे हैं जो शुरुआत के, अगर उनको आप कायदे से देखते हैं तो आपको पास्ट के भी वैसे ही नज़र आएंगे, फ्यूचर के भी वैसे नज़र आएंगे, आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए ए टाइप बी टाइप दो तरह के वाक्य होते हैं, पहले ही बताया हमने इनकी शुरुआत कैसे होती है, उनको हम
ए टाइप सेंटेंसेस कहते हैं, और जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है उनको हम बी टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो क्या करेंगे हम, अगर जिनकी शुरुआत क्या से होगी, उनकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, मगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम हैं, मगर हम बाहर किसको रखेंगे, केवल एक को, और एक को हम यथास्थान जाएगी यहाँ पर रखेंगे। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, अदर वर्ड्स लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एच लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, विलिया शर, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, बी, फिर आई एन जी फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने है। अभी एग्जांपल देखिए आप, ये टाइप का क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है क्या, वेलकम, वेलकम स्कूल, के सेंटेंस बोलचाल में कम प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा अटपटे लग सकते हैं, ठीक है। क्या तुम स्कूल जा रहे हो गे? तो रहे हो गे आया है पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और क्या सोशल बात है, इसका मतलब इंटरोगेटिव के टाइप है, तो हम किस तरह से बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, विल यू, विल यू, फिर क्या लिखेंगे, बी, तो क्या लिखेंगे, आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक। इस तरह से हम सेंटेंस को बना लेंगे। फिर देखिए इंटरोगेटिव बी टाइप, इंटरोगेटिव बी टाइप देख लीजिए क्या करेंगे हम, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस से रिलेटेड सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। थैंक यू।